Hello, I am Kuldeep Namdev. I hope you all are enjoying my engineering graphics videos. Now I am back with the next numerical on isometric views of composite solids. The question is, draw the isometric view of a sphere of 25 mm radius which rests centrally on the top of a square prism of base edge 60 mm and height 30 mm. यानी कि एक कंपोजिट सॉलिड का हमें आइसोमेट्रिक व्यू तैयार करना है जिसमें एक स्फीयर दिया हुआ है जिसका रेडियस 25 mm का है, वो किसके ऊपर रखा हुआ है? स्क्वायर प्रिज्म के ऊपर रखा हुआ है जिसका बेस साइड 60 है और उसका हाइट 30 mm के बराबर है। यानी कि पहले क्या ड्रॉ करेंगे? स्क्वायर प्रिज्म ड्रॉ करेंगे क्योंकि स्क्वायर प्रिज्म के ऊपर एक स्फीयर रखा हुआ है। तो स्क्वायर प्रिज्म का साइड कितना है? 60 का है। सारी साइड बराबर होंगी, 60 की होंगी और हाइट कितना? 30 है। तो मैंने इस पोर्शन को कंप्लीट कर लिया। यू कैन सी इन दिस फिगर, ये स्क्वायर प्रिज्म बना लिया है मैंने। ओके, साइड 60 लिया है मैंने, हाइट कितना लिया है इसका? 30 लिया है। तो ऑलरेडी आपको समझ में आ गया होगा, इसका बॉक्स तैयार कर लिया है। ये स्क्वायर प्रिज्म ही है, इसकी सारी साइड बॉक्स की साइड से सारी बराबर है। ओके, तो स्क्वायर प्रिज्म तैयार हो चुका है मेरा, 60 और 30 हाइट का। ओके, अब बात करते हैं आगे। इसके ऊपर हमें क्या ड्रॉ करना था? इसके ऊपर हमें ड्रॉ करना है स्फीयर, यानी कि इस स्फीयर कितना रेडियस का है? 25 mm का है। यानी कि इसके बिल्कुल बीच में, यानी कि इसके सरफेस के बिल्कुल बीच में क्या रखा हुआ है? एक स्फीयर रखा हुआ है। स्फीयर समझते हैं ना, स्फीयर यानी कि कोई गेंद समझ लो, कोई बॉल समझ लो, ठीक है? तो दीज ऑब्जेक्ट्स आर स्फीयर, समझ लो एक बॉल रखी हुई है, एक फुटबॉल रखी हुई समझ लो। किस पे रखी हुई? इसके बिल्कुल बीच में रखी हुई है, स्क्वायर प्रिज्म के बीच में रखी हुई है। तो याद रखें, कभी किसी सरफेस के ऊपर अगर आपको स्फीयर को रखना है, चाहे वो सरफेस कोई सी भी हो, तो आपको कुछ स्टेप्स हैं वो आपको फॉलो करनी होगी। तो पहले स्टेप बता रहा हूँ मैं। सबसे पहले जिस सरफेस के ऊपर रखना है, पहले उस सरफेस का मिड पॉइंट निकालो। क्या निकालो? मिड पॉइंट। तो क्या कर रहे हैं अपन? पहले किस सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, यानी कि ऊपर दिख रहा है आपको रॉम्बस, इसके बिल्कुल बीच में रखा हुआ है, यानी कि इसके डायगोनल को जहाँ पे मैं मिला दूंगा आपस में, वो क्या निकल जाएगा? इस सरफेस का सेंटर निकल जाएगा। तो पहला स्टेप क्या है? उस सरफेस के सेंटर की लोकेशन निकालना। तो यानी कि ये जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ द सेंटर। ओके, तो ये सेंटर है जिस पॉइंट पर स्फीयर रखा हुआ है। अब क्या करना है? पहला स्टेप समझ में आ गया आपको? जिस सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, सरफेस का सेंटर निकाल लो। तो सरफेस का सेंटर मैंने यहाँ पे निकाल लिया। ओके, अब बात करते हैं कि अगली स्टेप क्या होने वाली। स्टेप नंबर 2 है, जितनी उसकी रेडियस दी हुई है उसको इंटू करो 0.816 से। यानी कि रेडियस इस क्वेश्चन में कितनी गिवन थी, मैं एक बार फिर बताता हूँ आपको। रेडियस कितनी गिवन थी? 25 mm गिवन थी। यानी कि 25 को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 0.816 है। तो 25 को जब मैं इंटू करता हूँ 0.816 से, तो रिजल्ट क्या आ रहा है मेरे पास? 20.4 mm। कितना आ रहा है? 20.4 mm। यानी कि इसको और सॉल्व कर लें, 2.04 सेंटीमीटर के बराबर ये निकल के आ रहा है। लगभग 2 सेंटीमीटर के आसपास ही आ रहा है। तो क्या करना है मुझे? जो हाइट निकाली है मैंने बाय मल्टीप्लाइंग इट्स रेडियस बाय 0.816, अब इस सेंटर से मुझे उतनी डिस्टेंस ऊपर जाना है। तो मैं डिस्टेंस को मार्क कर लेता हूँ, 2 सेंटीमीटर के आसपास ही है ये। तो मैंने स्केल पे गया और इस डिस्टेंस को मैं मार्क कर लेता हूँ। ओके, ये एक्चुअली पॉइंट यहाँ पर ही है, हल्का सा मैंने इसको हल्का सा यहाँ से ऊपर ले लिया है, यहाँ पर होगा। तो 2 सेंटीमीटर, तो 1 और 2 सेंटीमीटर से ज़रा सा आगे बढ़ाए थे, बिल्कुल ज़रा सा, तो ये पॉइंट निकल के आ गया। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हुई? 25 × 0.816 करने के बाद जो वैल्यू मुझे मिलेगी इस सरफेस के सेंटर से, उतना मुझे इतनी हाइट पर जाना है। और हाइट पर जाने के बाद तीसरी स्टेप, पहले स्टेप क्लियर हो गई, जिस सरफेस के ऊपर रखना उसका सेंटर निकालो, क्लियर। दूसरी स्टेप है कि जो भी रेडियस दिया हुआ है उसको इंटू कर दो, चाहे वो आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करो, चाहे वो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करो। क्या करना है? हमेशा उसकी रेडियस को 0.816 से इंटू करना है। जो भी आपको डिस्टेंस मिलेगा उतना डिस्टेंस उस सेंटर से, सरफेस के सेंटर से आप ऊपर चले जाएं, यानी कि इस
बेस लाइन के परपेंडिकुलर अपन चले गए, तो ये पॉइंट आया। अब ये पॉइंट आने के बाद कॉम्पास लेना है, और रेडियस कितना गिवन था इसका, 25 था। कितना था? 25। तो कॉम्पास में डिस्टेंस ले रहा हूँ मैं 25। ओके, तो कॉम्पास में डिस्टेंस मैंने लिया 25 एज अ रेडियस। तो 25 रेडियस मैंने लिया, रेडियस मुझे हमेशा एक्चुअल लेना है, ये याद रखना है। तो इस स्टेप क्या है, रेडियस कॉम्पास में लें, और जो आपको पॉइंट मिला था ऊपर जाने पर, ओके, वो पॉइंट से आप इसको सेंटर मान लें, और सेंटर मान के वहाँ से आप एक सर्कल ड्रॉ कर लें। ये सर्कल कैसा ड्रॉ कर लें, आप डार्क ड्रॉ कर लें, ओके। एक सेकेंड, ओके, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ डिस्टेंस बराबर है कि नहीं है। डिस्टेंस थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। ओके, अब ठीक है। तो यहाँ से क्या करना था, मुझे एक सर्कल ड्रॉ करना था। थोड़ा सर्कल मेरा गलत हो गया यहाँ पे, कारण ये कि कैमरा जस्ट ऊपर है, मेरे पास इतना स्पेस नहीं है कि फ्रीली मैं इस कॉम्पास को चला सकूँ। कोई दिक्कत नहीं, मैं इसे ठीक कर लेता हूँ। ओके, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, सर्कल डार्क होगा। अब इसकी पहचान क्या है, स्फीयर सही से रखा नहीं रखा है। अगर देखिए, ये वो पॉइंट है जहाँ पर ये स्फीयर रखा हुआ है, ओके। अगर ये सर्कल इस पॉइंट से गुजरता तो क्या होता, आपको ये पॉइंट नज़र आता, यानी कि जिस पॉइंट पे वो रखा हुआ है इस सरफेस के ऊपर, वो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, इसका मतलब वो सेंटर पे नहीं रखा हुआ है। तो याद रखिए, ये जो पॉइंट होगा इस सरफेस का, ये आपके सर्कल के, जो सर्कल आपने ड्रॉ किया इसके अंदर ही आना चाहिए, इस लाइन, इस सर्कल पर नहीं आना चाहिए। इसलिए अपन क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.816 से। तो ये इस तरह से आप समझेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। अब मुझे क्या क्या डार्क करना है, आप देख, सर्कल तो मैंने डार्क कर लिया है, अब ये पोर्शन डार्क करना है। ये पोर्शन तो छिप गया है इस स्फीयर के पीछे, इसको डार्क करना है, इसको डार्क करना है, इसको डार्क करना है, यानी कि ये पूरे फेस को, ये वाले पूरे फेस को डार्क करना है, इसे डार्क करना है और इसे डार्क करना है, और थोड़ा सर्कल को और मैं डार्क कर लेता हूँ। तो इतना पोर्शन तो पहले कंप्लीट कर लेता हूँ मैं, फिर दिखाता हूँ आगे कैसा नज़र आएगा। ओके, जैसा आप देख पा रहे हैं, मैं इन पोर्शन को डार्क कर लिया, आपको समझ में आ गया होगा। ये स्क्वायर प्रिज्म रखा हुआ है, जिसके सेंटर बिल्कुल एक स्फीयर रखा हुआ है, इसकी रेडियस को शो करना है मुझे। तो इसकी रेडियस में सर्कल यहाँ से ड्रॉ किया था, तो यहाँ से मैं इसकी रेडियस को शो कर देता हूँ। कितना रेडियस था इसका, इसका रेडियस था 25, तो लिख दिया R25। ओके, डायमेंशन हमेशा एक्चुअल आपको लिखना है, आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करें चाहे प्रोजेक्शन ड्रॉ करें। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स से ही खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।